मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों भ्रष्टाचार में जेल में जाएंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा चोर भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। दिल्ली के इतिहास की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार केजरीवाल सरकार है। दिल्ली की जनता इनके करप्शन से लड़ रही है और अब ये लड़ाई अपने आखिरी चरण में है। केजरीवाल अगर अपने आंदोलन की नैतिकता की बातों को याद करें तो मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा, ये बातें आंदोलन के मन से कही जाती थी। अब एक मंत्री गिरफ्तार है, चार्जशीट हो चुकी है, एक के ऊपर घोटाले की जांच चल रही है, सीबीआई घर के अंदर खड़ी है, लेकिन मंत्रियों को कुर्सी पर बैठाकर रखा गया है। ये साबित करता है कि इन घोटालों में, भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री केजरीवाल डायरेक्ट खुद शामिल हैं और दिल्ली की जनता इनके घोटालों का न्याय करके रहेगी।